हेलो पाकिस्तानी फैंस, ये वीडियो सेव कर लो और लिख के ले लो। पहली बात, इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, और दूसरी बात, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगी, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप लोग अपने इमरान खान को तो ढंग से सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हो, गोली लग रही है उनके हैं, और हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी दोगे तुम हैं? अरे भाई तुम भी रहने दो एशिया कप करना, अपनी इकोनॉमी देखो यार, इमरान भाई को देखो, मतलब ये कहां से एशिया कप के चौंचलों में फंसे जा रहे हो। और जो पाकिस्तानी फैंस कमेंट्स में ये बोलना चाहते हैं कि इतनी औकात है कि हम तुम्हारा पूरा मुल्क संभाल लेंगे, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। और बाकी लोग मेरे यानी प्रशांत कपूर के साथ देख लीजिए क्यों ये पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि इंडिया में होने वाले 2023 का वर्ल्ड कप खेलेगा ही नहीं। तो भाई मुद्दा शुरू हुआ जब दादा गांगुली का जय भैया ने काटा। हाँ ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन मैटर तो तभी शुरू हुआ था ना क्योंकि उस टाइम ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पाकिस्तान को 2023 के ऑफिशियल वेन्यू के राइट्स मिले थे एशिया कप होस्ट करने के लिए, लेकिन BCCI की तरफ से अमित शाह जी के सुप्रीम कमांडर जय शाह ने साफ मना कर दिया कि भाई देखो हम ना जाने के पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी सोचा गजब बेइज्जती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने उस टाइम भी बोला था कि अगर इंडिया ऐसा करने का सोचेगा तो हम भी कुछ प्लान बनाएंगे वर्ल्ड कप में ना आने का। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि जय भैया की तरह साफ साफ बोलो, तो उन्होंने बोला मैं नहीं बताऊंगा। और अब जाके 2 महीने बाद उन्होंने सारे पैंतरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि भाई इंडिया को भी हमारे बिना वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा अगर वो एशिया कप 2023 खेलने पाकिस्तान नहीं आते तो। और ये सुनकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के फैंस के मुंह से बस यही निकला तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये सोशल मीडिया वाली रिपोर्ट्स की माने तो रमीज भाई के जहन में एक बात आ रही है कि अगर पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी तो इंडिया में मैच देखने जाएगा कौन। अरे राजा जी आप हमारी टेंशन मत लो, ये सोचो अगर इंडिया नहीं गया पाकिस्तान एशिया कप खेलने, जो कि वो नहीं जाने वाला ऑब्वियसली, तो आपके यहाँ मैच देखने कौन आएगा, किसका मैच देखने आएंगे लोग, श्रीलंका का, बांग्लादेश का? अरे एशिया कप जान से बढ़ के है क्या? बात तो सही है। तो रमीज ब्रो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। आप कह रहे हो ना कि आपके लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो बात मानो UAE में करवा लो एशिया कप, बाद में थैंक यू बोलना हमें। और बात रही पुल आउट करने की, तो भैया हम पहले से प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, आप अपना देखो, वर्ल्ड कप में नहीं आए तो समाज में थू थू हो जाएगी और साथ में आपको पाकिस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। तो भाई मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान आएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने, आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बताएं। और हाँ अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।